दोस्तों, अगर आपके भी बाल समय से पहले जल रहे हैं या फिर सफेद हो रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने वाले हैं, कुछ औषधियों के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। दोस्तों, बालों का जड़ना रोकने के लिए आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, प्याज में सल्फर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसी के कारण प्याज का रस अगर आप बालों में लगाते हैं तो बालों के जड़ने के इलाज में आपको मदद मिलती है। और बालों के रोम में ये रक्त संचालन को बढ़ाता ही प्याज का रस रक्त संचालन को बढ़ाता है और हेयर फोलिकल को पुनर्जीवित करता है और सूजन को दोस्तों प्याज का रस कम करता है। प्याज के रस में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, ये उन रोगाणुओं को मारने में मदद करता है जो कि स्कैल्प में संक्रमण का कारण बनते हैं, जो बालों के जड़ने की वजह होती है। तो अगर आप प्याज का रस भी बालों में लगाते हैं तो इससे बालों का जड़ना कम होता है। नेक्स्ट दोस्तों, एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जितना आपके सेहत के लिए फायदेमंद होता है उतना ही आपके बालों और स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। हफ्ते में दो बार एलोवेरा जेल अगर आप बालों में लगाते हैं तो ये आपके बालों के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। इसके लिए एलोवेरा के पत्ते को काट लें, उसमें से जेल निकाल लें। अब इस जेल को अपने बालों में लगाएं और लगभग एक घंटे तक लगा रहने दें। उसके बाद गुनगुने पानी से बालों को धो लें। अगर ये भी प्रयोग करते हैं तो इससे भी धीरे धीरे आपके बाल जो है वो जड़ना बंद हो जाते हैं। थर्ड है दोस्तों, आंवला। जी हाँ दोस्तों, आंवला बालों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। आंवला में आयरन, जिंक, कैरोटीन, फाइबर और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि आपके बालों को चमकदार बनाते हैं। खासकर यदि आपके बाल जड़ते हैं तो आंवला आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। सूखे आंवले को नारियल के तेल में मिलाकर एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को आप गर्म करें जब तक कि ये तेल जो है काला न हो जाए। अब तेल जब काला हो जाए तो इसे ठंडा करें और इसे अपने बालों में मालिश करें। अगर इस तेल का प्रयोग करते हैं तो इससे भी बालों का जड़ना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे तीन ऐसे नुस्खे जो कि बालों का जड़ना रोकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।